गणेश चतुर्थी से स्थापित शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गणेश जी की मनोहर झांकियां शहर के हर गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती नजर आ रही हैं। घासीकटरा स्थित दुर्गा माता मंदिर परिसर में गोरखपुर गणपति महोत्सव की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित किया गया है। गोरखपुर गणपति महोत्सव के उपाध्यक्ष मनोज अग्रहरी ने बताया कि पिछले 17 सालों से लगातार हम लोग भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक चलने वाले इस पूजा उत्सव में हर दिन भगवान गणेश की पूजा विशेष रूप से की जाती है और सोमवार को भगवान गणेश 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। वहीं पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा और झांकी देखने निकले श्रद्धालु स्मिता जायसवाल और करिश्मा शर्मा ने बताया कि वो हर साल गणेश पूजा के दौरान शहर में पूजा पंडालों में स्थापित भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचती हैं। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भक्तगण स्मिता जायसवाल और करिश्मा शर्मा एवं विनय कुमार जायसवाल और गोरखपुर गणपति महोत्सव के उपाध्यक्ष मनोज अग्रहरी ने कहा, हम लोग आ रहे हैं 7 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे आने पे हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। गणेश जी के यहाँ की व्यवस्था हर चीज़ अच्छी है रहती है। विनय जायसवाल, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया लगता है भैया। 7 साल से हम लोग आते हैं और यहाँ का हर चीज़ बेहतर ही रहता है। हर साल एक ना एक चीज़ बढ़िया ही बढ़िया बनता है। करिश्मा शर्मा, हम लोग यहाँ पे हर साल आते हैं, बहुत छोटे से थे तभी से यहाँ पे गणेश जी का हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। खास यही है कि अब यहाँ पे शुरू से बैठते हैं, पहला गोरखपुर का गणपति उत्सव यहीं से मनाना शुरू हुआ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो हम लोग अभी आए हैं, बच्चे का मेरे रिपोर्ट आया था, मन्नत मांगे, अच्छा आ जाएगा रिपोर्ट तो प्रसाद चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाने आए हैं। मनोज अग्रहरी, देखिए गणेश जी की स्थापना हम लोगों ने लगभग ये आपका 17वां साल है, हमारा 17वां वर्ष है और विगत 17 वर्षों से हम लोग हर बार कुछ अलग अलग तरह की थीम और अलग अलग तरह की प्रक्रिया देते हैं और इस बार जो है तिरंगे पे आधारित हम लोगों ने ये पंडाल का कार्यक्रम किया है और 10 दिन की जो पूजा होती है हम लोग की, हर प्रकार की पूजा होती है और हर कार्यक्रम हम लोग करते हैं
डांडिया का एक दिन डांडिया का प्रोग्राम होता है, एक दिन बीच का प्रसाद का विक्रम होता है। कल हमारा कार्यक्रम वीर शहीदों के एक सम्मान में एक कार्यक्रम था, एक शाम शहीदों के नाम, जो तो बहुत धूमधाम से मनाया गया है। आज का कार्यक्रम हमारे 108 प्रकार का भोग का है, लेकिन बप्पा के दरबार में 108 प्रकार का भोग से ज़्यादा इतना भोग रहा था, 1008 प्रकार के भोग में ये उपलब्ध हो जाता है बप्पा के दरबार में। और सभी श्रद्धालु ये अपने पास से लेकर आते हैं और यहाँ बप्पा के दरबार में आज भोग लगाते हैं। आज का भोग समिति नहीं लगाती है, आज का भोग ये जितने भी बप्पा के सेवक और बप्पा के जितने भी सेवादार हैं ये सब अपने घर से अपने हाथों से लोग बना कर ला के और यहाँ पे आज बप्पा के दरबार में भोग लगाते हैं।